हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होता आरं रत्नधातमम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए और विशेष करके हमारे आदरणीय भ्राता जी जो इस कार्य को विशेष रूप से संपन्न कर रहे हैं, हमारे आदरणीय भाई रघुवीर जी और उनकी पूरी टीम, उनका पूरा परिवार और हमारे साथ जुड़े हुए विद्वत जन, हमारे गुरुकुल के आचार्य जो इस अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ कर इस यज्ञ को संपन्न करने में एक अपनी ब्रह्मत्व की भूमिका निभा रहे हैं, उनको प्रणाम नमन करते हुए मैं सभी साधक भाई बहनों को मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आज इस अथर्ववेद पारायण महायज्ञ जिस प्रकार आप कर रहे हैं, यह एक अपने आप में बहुत बड़ा और विशेष और सराहनीय कार्य है। और वर्तमान में इस कोरोना काल में जिस प्रकार से भयावह बीमारियाँ अलग अलग है, उसमें एक कोरोना, यह बीमारी भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी, आज पूरी दुनिया जूझ रही है। और इस प्रकार की जब बीमारियां बड़े रूप में फैलती हैं और हमारे आयुर्वेद में बताया कि जिस प्रकार यह बीमारी हम देख रहे हैं, ऐसी बीमारियों को जनपद विध्वंसो अध्याय करके एक अध्याय आयुर्वेद में आता है, उसके अंदर विशेष रूप से इसका मेंशन है कि इस प्रकार की भयावह बीमारियां फैले और जब जनपद के जनपद पूरे उखड़ जाते हैं तो उस समय हम क्या करें। तो उस समय विशेष करके यही यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने के लिए और कुछ विशेष औषधीय जड़ी बूटियों का धूम्र करने के लिए हमारे शास्त्रों में विशेष करके बताया, उसमें विशेष करके जो यज्ञ है उसके अंदर हम ऐसी महामारी, भयावह बीमारी से मुक्त होने के लिए जो माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले जो विशेष द्रव्य होते हैं, जैसे पीली सरसों, पीली ना मिले तो कोई भी सरसों ले सकते हैं, लेकिन पीली सरसों को हम अवश्य अपनी हवन सामग्री में मिलाएं। हमने यहाँ पर भी पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी कुछ रिसर्चें करके, अनुसंधान करके हमने देखा कि अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग तत्वों को जलाने पर कौन कौन से द्रव्य बनते हैं और कितनी कितनी मात्रा में निकलते हैं, उसका क्या क्या इफेक्ट होता है, उसमें माइक्रोबायल एक्टिविटी भी देने वाले विशेष विशेष द्रव्य होते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाला कोई तत्व द्रव्य के अंदर पाया गया तो वह है गाय का घी के अंदर, और दूसरा नंबर पे सरसों, जिसको हम पीली सरसों कहते हैं, सरसों, और उसके साथ साथ नारियल हैं, काले तिल हैं, कुटज हैं, वच हैं, मिश्री, ये कई सारे ऐसे द्रव्य हैं
जिसके अंदर अद्भुत माइक्रोबायल एक्टिविटी होता है, और उसको हमने रिसर्च करके भी देखा है, एनालाइज करके भी धुआं को करके देखा है, और अलग अलग बैक्टीरिया फंगस आदि के ऊपर इस धुएं को देख करके जब वो बैक्टीरिया फंगस आदि होते हैं वो नष्ट होते हैं उसको देखते हुए भी हमने किया, और उसका जो मेंशन हमारे अलग अलग रिसर्च पेपरों में मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो बताया जाता है उसके अंदर जो मेंशन है उसको भी हमने विशेष करके वो करने का प्रयास किया। ये आप देख रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर्स के साथ, कंपोनेंट्स के साथ, कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से चीज़ें इस धूम्र के अंदर पाई जाती है, और उसका क्या क्या इफेक्ट और किस किस रूप में हमारे प्राचीन शास्त्रों के अंदर तो जो द्रव्यों का प्रयोग बताया, लेकिन अभी आधुनिक विज्ञान ने भी इन चीज़ों को सिद्ध किया, वो सारी चीज़ें हमने इसमें दी हैं। और ये कुछ हमने रोगानुसार हवन सामग्रियां बनाई हैं शास्त्रों के प्रमाणों के साथ, उसके साथ साथ हमने वर्तमान में रिसर्चे करके भी और लोगों के ऊपर जो हमने परीक्षण किए उन सारी चीज़ों से यह सिद्ध हुआ कि यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है, और यज्ञ के माध्यम से निकलने वाली जो गैसें होती हैं उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाने वाले होते हैं। जो हम बीमार होते हैं उस समय जो अलग अलग दवाइयाँ लेते हैं उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ठोस रूप में होते हैं, वही के वही यज्ञ करने पर गैस रूप में अवेलेबल फॉर्म में परमिसिबल लिमिट के अंदर हमें प्राप्त होते हैं यज्ञ के माध्यम से, और उस गैस को लेने पर हमारे स्वास्थ्य का संवर्धन होता है, गुड हार्मोन्स बनते हैं, स्ट्रेस तनाव डिप्रेशन आदि दूर होता है, और हम एक आरोग्यमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ऐसी ताकत ऐसी शक्ति इस यज्ञ में, इस हवन में, इस अग्निहोत्र में होती है। हाँ जरूर, जैसे आयुर्वेद में बताया है, आयुर्वेदेशु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होमयेत। आयुर्वेद में जिस रोग की शांति के लिए जिन जिन हविर द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं हविर द्रव्यों से विशेष आहुतियाँ देकर के हम हवन करते हैं तो उससे हमारे वह वह रोग शांत होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। इसलिए हम सब मिलकर के जिस यज्ञ को, जिस हवन को, जिस अग्निहोत्र को कर रहे हैं, अथर्ववेद पारायण महायज्ञ को हम कर रहे हैं, वह आज इस महामारी कोरोना काल में अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ जिस मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं उस मंत्रों का उच्चारण भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष उपलब्धि है। मंत्रों की ध्वनि, मंत्रों की एक जो हमारे तन मन प्राण पर्यावरण से लेकर के संपूर्ण अस्तित्व में जो मंत्रों का उच्चारण का प्रभाव पड़ता है वो भी बहुत पॉजिटिव होता है। आज तो उसके ऊपर इतनी बड़ी मात्रा में रिसर्च है और इतनी बड़ी मात्रा में चीज़ें सामने हैं कि बात ही मत पूछिए। तो रोगानुसार द्रव्य, विशेष मंत्रों का चयन, उसका उच्चारण, और यज्ञाग्नि में उसकी आहुतियाँ देना, और यह एक आध्यात्मिक भी विशेष लाभ देने वाला होता है। हमारे शास्त्रों में बताया, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतयो हृद्दायन तन्नयन्ति एताः सूर्यस्य रश्मयोः यत्र देवानां पतिरेको देवासः। कहा एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतयो, जो इस सात लपटों वाली यज्ञाग्नि में ठीक समय पर जो यजमान आहुतियां देता है वह उस कर्म को पूरा करता है, उसको ये आहुतियां सूर्य की रश्मियों में पहुँच कर उनके संचित कर्म रूप होकर उसको वहाँ पहुँचा देती है। देवानाम पतिरेको धीवासह, जो देवताओं का पति अर्थात स्वामी ईश्वर के पास पहुंचा देता है, उसका साक्षात्कार करा देता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष बात बताई कि यथा समय, जो सात लपटों वाली यज्ञाग्नि में जो समय के अनुसार आहुतियां देता है वह परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मुंडक उपनिषद में बताया है विशेष करके प्रथम अध्याय के द्वितीय उसमें। इसी प्रकार से कहा, यथे क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते।
यथेक शुद्धिता बाला मात्र में, जैसे भूख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करते हैं, अपनी माता की शरण में जाते हैं और एक निश्चितता होती है उनको कि मां के पास जाए हमारी भूख की निवृत्ति होनी, और होता ही है। जैसे एक आत्मविश्वास, एक निश्चितता होती है। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम, ऐसे ही सभी भूतगण मनुष्यगण अग्निहोत्र की यज्ञ की हवन की उपासना करते हैं और इतना आत्मविश्वास होता है कि पूरा होगा। और जैसे माता के पास जाने पर हमारी भूख की निवृत्ति होती है, ऐसे ही अग्निहोत्र की शरण में जाने पर सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए तो कहा येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत, जिस सदनुष्ठान से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो। और कहा आध्यात्मिक आधि देविक आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरणम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम्। आध्यात्मिक आधि देविक और आधि भौतिक तीन प्रकार के तापों का उन्मूलन, दूर होना, जिससे सुकरम स्यात् सरल हो जाए, उसको यज्ञ हवन अग्निहोत्र कह रहे हैं। यह जो अथर्ववेद पारायण यज्ञ कर रहे हैं उसे जो अलग अलग लाभ हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, पर्यावरण शुद्धि, पर्यावरण पोषण, महामारी से बचाव से लेकर के अलग अलग पुण्यों की प्राप्ति आदि, संपूर्ण विश्व का कल्याण और आध्यात्मिक आदि देविक आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम, इन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन, उसको ठीक करना, दूर करना भी इसी यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। इसलिए कहा कि प्रतिदिन हमें यज्ञ करना होता है। ये तो विशेष यज्ञ हम अथर्ववेद पारायण आदि नैमित्तिक यज्ञ, तीन प्रकार के यज्ञ बताए, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। तो ये नैमित्तिक यज्ञ है अथर्ववेद, लेकिन एक नित्य यज्ञ होता है जो हमें प्रतिदिन करना होता है। और कहा शास्त्र में अग्नेश्चैव सायं प्रजापतेश्चैत्य ब्रवीत सूर्याय च प्रातः प्रजापतेश्चेति। प्रातः काल में सूर्य और प्रजापति के लिए और सायंकाल को अग्नि और प्रजापति के लिए विशेष विशेष आहुतियां देकर के अग्निहोत्र हमें प्रतिदिन करना होता है। और अग्निहोत्र स्वाहाकार प्रयुक्त, अग्निहोत्र जब हम करते हैं तो उस मंत्रों के अंत में स्वाहाकार का हम प्रयोग करें। और उसके साथ कहा अग्निहोत्र स्वाहाकार का प्रयोग करने के साथ कहा एतद्वै जरा मर्य सत्रम यद अग्निहोत्रम जरिया हवा मुच्यते मृत्यु नावा। यह जो यज्ञ है जरया हुआ मृत्युर्वा का, जरा मृत्यु पर्यंत का यह सत्र है। या तो जरा अवस्था आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, असक्तता आ जाए कि अब हम अपना खुद का पानी भी नहीं पी पा रहे हैं, अपने नित्य कर्म भी नहीं कर पा रहे, तब छोड़ने योग्य है। या फिर जरया हुआ मुच्यते मृत्यु ना, या तो फिर जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब छोड़ने योग्य। अर्थात जीवन में कभी भी यज्ञ अग्निहोत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार विधि पूर्वक जब यज्ञ करता है, नियम पूर्वक यज्ञ करता है, क्या होता है तो कहते अग्निहोत्र अश्वमेघस्य आप्ति है। अग्निहोत्र करने पर अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है उसको, ये अपने आप में बहुत बड़ा फल होता है। मुखम वा एतद्वा यज्ञ नाम यद अग्निहोत्रम, यह सारे प्रकार के जो अलग अलग, जैसे हम अथर्ववेद पारायण यज्ञ से लेकर के सोमयाग से लेकर के अलग अलग प्रकार के यज्ञ, नित्य नैमित्तिक चतुर्वेद पारायण यज्ञ जैसे हम करते हैं, ऐसे ही चातुर्मास्य यज्ञ से लेकर के अलग अलग प्रकार के याग होते हैं, यज्ञ होते हैं जो अलग अलग लाभ देने वाले होते हैं, उन यज्ञों का अधिकार भी उसी व्यक्ति को होता है जो अग्निहोत्र करता है। इसलिए कहा मुखम वा एतद् यज्ञानाम यद् अग्निहोत्रम, यह मुख है दूसरे यज्ञ में प्रवेश होने के लिए। और इस प्रकार जो यज्ञ करता है उसको कहा सर्वस्मात् पाप मनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति। जो विद्वान यथा समय विधि पूर्वक अग्निहोत्र करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, तापों से मुक्त हो जाता है। ये हमारे शास्त्रों में यज्ञ की महिमा बताते हुए विशेष करके बताया है। और इतना ही नहीं, स्वामी दरियानंद सरस्वती जी बताते हैं तद्वारा सर्व जगत सुख कार्येण भवंती। यह जो यज्ञ है इन कार्यों के द्वारा संपूर्ण जगत को सुख विशेष की प्राप्ति होती है, सुख विशेष को वो प्राप्त कर लेता है। ऐसा यह यज्ञ जो हवन है, अग्निहोत्र है, वह विशेष विशेष लाभ देने वाला होता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र का भाष्य करते हुए लिखा है, उसका भावार्थ करते हुए
उन्हीं के शब्दों में मैं बताना चाहता हूं आपके बीच में कि विद्वानों को चाहिए कि इस संसार के सुख के लिए यज्ञ से सोधे हुए जल से और वनों के रखने से अति उष्णता अर्थात खुश्की दूर होती है, अच्छे बनाए हुए अन्न से बल उत्पन्न करें, यज्ञ के आचरण से तीन प्रकार के दुख आध्यात्मिक आधिदेविक आदि भौतिक को निवार करके सुख को उन्नति देवे। ये तीन प्रकार के जो दुख होते हैं उन तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा ही मुक्ति कही जाती है। और यज्ञ को करने पर क्या होता है, आध्यात्मिक आधिदेविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन होता है, दूर होते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी इन बात को बताया। इसी प्रकार से हमारी प्राचीन ग्रंथों में जैसे मैंने बताया, येन सद अनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत, यद आध्यात्मिक आधिदेविक आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम कहा, वहां पर भी ऐसे बताया। यहां पर और भी हमारे अलग अलग शास्त्रों में इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को, इस जीवन की उन्नति, पर्यावरण के पोषण संवर्धन से लेकर के अनेक अनेक प्रकार के लाभ देने वाला बताया है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने तो इसके जो अलग अलग लाभ है वो बहुत सारे बताते हुए, अलग अलग लाभों को बताते हुए कहा कि इस यज्ञ को, इस हवन को हमें कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, कभी भी ये त्यागने योग्य नहीं होता है। इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को त्यागने वालों को शास्त्रों में कहा, यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तु त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। जो व्यक्ति बिना यजन के भोजन करता है वह अन्न नहीं, वह पापी, पाप का भोग। उसको जो बिना यजन करने वाला है उसको आम इंसान भी नहीं, उनको पापी करके बुलाया और कहा वह पापी, पाप का भोग करता है। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, एक जगह पे यज्ञ शिष्टा सिना संति मुचंते सर्व किल विषय, और जो यज्ञ करने के बाद जो भोजन करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और आगे जाकर के फिर दोबारा बताया, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्ता मा। जो व्यक्ति यजन करने के बाद, हवन करने के बाद भोजन को ग्रहण करता है, प्रसाद शेष को ग्रहण करता है, वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और नायम लोको अयज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम, जो यजन किए बिना भोजन ग्रहण करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुखकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए उसके लिए। इसलिए और आगे जाकर कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए। यह यज्ञ दान और तप रूप कर्म तो मनुष्यों को भी पावन करने वाला होता है, तो हमें तो ऊपर उठाने वाला होता ही है। इसलिए हमें इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को अवश्य अनिवार्य रूप से करना होता है। और इस मनुस्मृति में कहा कि जो बिना यजन का, जो यजन नहीं करता है वो इस धरती पर जीता हुआ भी, श्वास लेता हुआ भी श्वास नहीं ले रहा है, जीता हुआ भी वो मुर्दा के समान है। ऐसे कठोर शब्दों में बताया मनुस्मृति में महर्षि मनु ने भी। और इतना ही नहीं, हमारे जो नीति शास्त्र है, ये तो स्मृति शास्त्र का मैंने बताया, नीति शास्त्रों में भी हमारे आचार्य चाणक्य जी ने बताया, स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहानि तानि। जिस घर में यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं वह घर स्मशान के तुल्य होते हैं, त्याज्य होते हैं, उस घर के अंदर रहने योग्य नहीं होता। तो अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस यज्ञ के अपार महिमा, जिस ओर हम करते हैं तो कहते हैं यह सत्याः संतु यजमानस्य कामा, यह यज्ञ सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है, इष्ट काम दुख सर्व काम दुख, इसको इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला कहा है, जो भी इच्छित कामनाएं हैं उसको पूर्ण करने वाला कहा है। तो एक और जहां पर यज्ञ को अलग अलग लाभों के लिए बताया गया और उसकी महिमा बताई गई, ऐसे ही नहीं करने पर उसके अनेक अनेक प्रकार की हानियां और इतने भयावह वाक्यों के माध्यम से बताया गया, घर को श्मशान के तुल्य कह दिया, जीता हुआ भी वो मुर्दे के समान है, श्वास लेता हुआ भी वो श्वास नहीं ले रहा है, और बिना यजन के भोजन करने वाले को पापी कहा
वो पाप का भोग कर रहा है और जो यजन नहीं करता है उसके लिए तो यह लोग भी सुख कर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़। ये कितने भयावह डराने वाले एक और वाक्य हम देखते हैं। तो एक और सत्याः संतु यजमानस्य कामाः, जो यजन करता है हवन करता है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यथे सुधिता बाला मातरम उपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते, जैसे सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए बालक अपनी माता की उपासना करता है, ऐसे ही सभी लोग अपने जीवन के दुखों की निवृत्ति के लिए अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं च आहत्य हृद्दायं तन्नयन्ति एता सूर्यस्य रश्मयोः यत्र देवानां पतिरेको दिवासः, जैसे यथा समय पे जो सात कलर वाली अग्नि की लपटों में समय पे आहुतियां देता है वह व्यक्ति देवा नाम पतिर स्वयं परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार। मानी हम अपने प्राचीन ग्रंथों में एक और हम यज्ञ करने पर इतने आश्वासन और इतनी महिमा और इतने लाभ बता रखे हैं, और एक और यज्ञ नहीं करने पर इतनी हानियां, इतने कठोर शब्दों का प्रयोग कर दिया की बात ही मत पूछिए। ऐसे लिए देखिए धरती पर जितने भी कर्म हम करते हैं वो कर्म को करने पर हमें हानि या लाभ होता है। अच्छा करेंगे तो लाभ, बुरा करेंगे तो पाप या हानि। लेकिन यज्ञ हवन अग्निहोत्र एक ऐसा कर्म है जिसको नहीं करने पर पाप लगता है, हानि होती है, और करने पर तो अनेकों अनेकों लाभ है। इसलिए वेद में कहा सूची जीवो अग्नि सहस्र आरंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ देने वाले होती हैं। और कहा एन सदनुष्ठानेन स्वर्गादि प्राप्ति सुलभा स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम्, जिस श्रेष्ठ अनुष्ठान से सुख विशेष की प्राप्ति सुलभ हो जाए, सरल हो जाए, उसको यज्ञ कहते हैं। इज्जते पूज्यन्ते देवा अनेन स यज्ञ, जिससे देवगण पूजे जाते हैं वह यज्ञ कहा जाता है। इज्जन्ते समपूजिता तृप्तिम आसाद्यन्ते देवाः अत्रेति यज्ञः, जिस कार्य में देवगण पूजे जाते हैं और पूजित होकर तृप्त होते हैं उसे यज्ञ कहते हैं। एन सदनुष्ठानेन इंद्र प्रभृतियोः देवा सुप्रसन्नाः सुवृष्टिः कुर्युत स्याद् यज्ञ पदाभिधेयम्, जिस उत्तम अनुष्ठान से सूर्यादि देवगण अनुकूल वृष्टि करते हैं उसको यज्ञ पद इस नाम से कहा जाता है। वेद मंत्रेर देवताम उद्देश्य द्रव्यस्य दानम यागः, वेद मंत्रों का उच्चारण कर हविर देवताओं को देने की इच्छा करके उसको लक्ष्य कर जो मंत्र चारण पूर्वक हविर द्रव्यों का दान किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। और यह यज्ञ तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नित्य यज्ञ, एक होते हैं नैमित्तिक यज्ञ और एक काम्य यज्ञ होते हैं। नित्य यज्ञ पंच महायज्ञ को नित्य यज्ञ कहा जाता है, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवेश्व देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, यह पंच महायज्ञ होते हैं जिसको हमें प्रतिदिन करना होता है, इसको कहते हैं नित्य यज्ञ। इसी प्रकार दूसरा होता है नैमित्तिक यज्ञ, जैसे हम अभी कुछ रोग विशेष फैले हैं तो उस समय हम एक महामारी के दूर करने के लिए और लोगों की सद्भावना संप्रेषित करने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए हम अथर्ववेद पारायण भी यज्ञ कहते हैं, ये नैमित्तिक यज्ञ हैं। इसी प्रकार हम जो दीपावली होली पर नवसत्श्रेष्ठी यज्ञ करते हैं, शारदीय नवसत्श्रेष्ठी, फाल्गुन नवसत्श्रेष्ठी यज्ञ करते हैं, इसी प्रकार से अलग अलग पर्वों पर जो हम यज्ञ करते हैं सारे के सारे नैमित्तिक यज्ञ होते हैं। इसी प्रकार से जो हम संस्कार विशेष में गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत जो भी हम उसमें यज्ञ करते हैं वो भी नैमित्तिक यज्ञ होते हैं। इसी प्रकार तीसरे होते हैं काम्य यज्ञ। काम्य यज्ञ उसको कहते हैं जो किसी कामना विशेष से प्रवृत्ति, जैसे रोग निवृत्ति की कामना से हमने कुछ रोग विशेष की औषधियां लेकर के हवन किया उसको कहते हैं काम्य यज्ञ। इसी प्रकार से अलग अलग कामनाओं से युक्त होकर वृष्टि की कामना से वृष्टि यज्ञ हम करते हैं, पुत्र की कामना से पुत्रेष्टि यज्ञ हम करते हैं, ये सारे काम्य यज्ञ होते हैं। कुल मिलाकर के तीन प्रकार के यह यज्ञ होते हैं। और इसी प्रकार से हमारे प्राचीन ग्रंथों में विशेष रूप से 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए, जिसमें सात पाक यज्ञ होते हैं, सात हवीर यज्ञ होते हैं, सात सोम यज्ञ होते हैं, जो कि सात तेरी 21 प्रकार की यह यज्ञ होते हैं, उपासन, वैश्वदेव, पारवण, अष्टका, मासिक श्राद्ध, श्रावणा और सुलगव, ये सारे के सारे सात पाक यज्ञ होते हैं। ऐसे ही सात हवीर यज्ञ होते हैं, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, अग्रायण, चातुर्मास्य, निरूढ़ पशुबंध, मैत्रायणी और
पितृ यज्ञ, ये सारे के सारे हवीर यज्ञ होते हैं। ऐसे ही सात सोम यज्ञ होते हैं, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थय, षोडशी, वाजपेय, अति रात्र और आप्तोर्यम, यह सात सोम यज्ञ होते हैं। और इसी को श्रीमद् भगवद गीता में और अलग अलग शास्त्रों में इसको नैतिक, नैमित्तिक और काम्य, इन्हीं सारे यज्ञों को नैतिक, नैमित्तिक और काम्य जैसे मैंने अभी बताया ऐसे बांटा जाता है। और इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में बताया है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकार के यज्ञ बताए गए। अफलकांक्षी भेर यज्ञो विधि दृष्टो स इज्यते यष्टव्यम मे वेति मनः समाधाय स सात्विक। तीन प्रकार के यज्ञों में जो सात्विक यज्ञ होता है, सत्रहवें अध्याय में गीता में बताया ग्यारहवें श्लोक में, कि जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ तथा यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया गया जो यज्ञ है वह सात्विक यज्ञ होता है। योग, यज्ञ, दान, तप। यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मसिद्धये। योग, यज्ञ, दान, तप, कर्म पुरुषार्थ में, इसलिए हम योग और यज्ञ को सर्वाधिक महिमा देते हैं पतंजलि योगपीठ में। योग और यज्ञ को आप भी अपने जीवन में ऐसे ही करते रहना। रोज नहीं कर सको यज्ञ तो कम से कम गाय के घी का दिया जला लेना अपने घर में, और पतंजलि पूजा सामग्री के नाम से अलग अलग धूप, अगरबत्ती सामग्री आदि मिलती है। ज़्यादा मंत्र आदि नहीं आते हैं तो खाली गायत्री मंत्र और ओम से ही होम कर लेना, होम, हवन, अग्निहोत्री, इसकी बड़ी महिमा अपने। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है, तो आइए हम संकल्प लें संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत, यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।